हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरे मामा जो कि कानपुर देहात में रहते हैं, अभी भी जिंदा हैं वह। उनके दो लड़के हैं, उसमें से एक का नाम विनोद है बड़ा वाला, जिसका छोटा का नाम संजय। बड़ा वाला लड़का भी अभी है, उसके भी तीन लड़कियां हैं। पर जो छोटा वाला संजय था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक छोटा सा लड़का था। यह बात करीब 5 साल पहले की है कि वह जब इंदौर में आया करता था और पीथमपुर में कुछ कानपुर की फैक्ट्री थी विम साबुन बार की, तो वहाँ पर काम करता था। जब भी इंदौर आता था तो पीथमपुर तो मुझे फ़ोन करता था और मैं उसके साथ में मोटरसाइकिल से पीथमपुर जाते थे। उसके बाद फिर वह नौकरी छोड़ के अपने कानपुर देहात चला गया, मेरा मामा जहाँ रहते हैं गांव में। फिर उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे कैंसर हो चुका था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब यह ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। तो एक महीने के बाद में वह ख़त्म हो गया, जबकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 42-45 साल का था वो। और वह कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टरों ने जवाब देने के बाद वह 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो चुका था। पर मैं मेरे मामा के लड़के के इसमें मरने में नहीं जा पाया। मैं ना 13 में जा पाया, मैं फिर 1-1.5 महीने बाद में जब गया था वहाँ पर, तो वो जिस कमरे में रहता था उस कमरे में ही मेरे जो बड़े भाई मामा के बड़ा लड़का था, उनकी वाइफ मेरी भाभी, तो रात के समय हम अलग अलग चारपाई पे लेटे थे। बीच में से एक गैलरी जाती है जहाँ पर वो संजय का कमरा था जो ख़त्म हो गया। तो रात को करीब 1:30 बजे हम हल्की हल्की बातें कर रहे थे, फिर मुझे थोड़ी सी नींद लगने लगी, तो मैंने मेरे मामा के लड़के को जाते हुए मुंह में कपड़ा ओढ़ के जाते हुए मैंने उसको देखा। और मैंने देखने के बाद में बहुत ज़्यादा घबरा गया, और वो उसकी परछाई थी, सेम टू सेम उसकी परछाई थी। वो मैंने जल्दी से मेरे भाभी को जगाया, मेरे भाभी ने अभी संजय को जाते हुए देखा, तो उन्होंने फिर मुझे बताया रात में ही कि वह उसकी आत्मा है जो कि भटकती रहती है और हमें तो यह रोज़ दिखती है, रोज़ परेशान करती है उसकी आत्मा, क्योंकि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं मिला है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो वह बोले कि हमको भी दिखाई देता है और हमारे बच्चों को भी दिखाई देता है। बस यही कहानी है और यह हकीकत की घटना है।